हेलो गाइस, आई एम हिमाद्री। पहले ही आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ कि आज जो वीडियो आने वाला था वो विंटर में डॉग की कैसे केयर करें उसके ऊपर आने वाला था, पर उसमें हम थोड़ा और कम कर रहे हैं। सो आज इसलिए हम लोग एक प्लांटेड लोटेक का वीडियो दे रहे हैं, उसको गाइस आप प्लीज़ इन्जॉय कीजिए एंड सॉरी फॉर द डॉग वीडियो। नेक्स्ट हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू। छोटा टैंक हमने लिया है, ये आपका है, आपका 1 फीट हाइट है, आपका 10 इंच और आपका विथ है आपका 8 इंच। सो ये आपका मोटा मोटी बहुत ही कम खर्चे में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने एक आपका इसमें ड्रैगन रॉक यूज किया है, और जो आपका काबम्बा और बाकोबा सब प्लांट्स देके हम बनाएंगे, बहुत ही जल्दी इसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में ये कैसा बनता है। सो गाइस, पहले एक्वेरियम के बॉटम में मैं थोड़ा सैंड ऐड कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम ड्रैगन रॉक को सेट करेंगे। अभी रॉक बिठाते हैं इसमें, तो सेट करके देखना है कौन सी जगह वो अच्छा लगता है और कौन सी जगह वो ठीक से बैठता है। वो आप जब बनाएंगे अपने हिसाब से आप सेट करके देख लीजिएगा कि कौन सी जगह वो अच्छा लग रहा है, सो उसी हिसाब से आप उसको सेट कीजिएगा। ये एक्वेरियम सेटअप करने के समय हम कोई प्लांटेड टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हॉबिस्ट के पास ये सब टूल आगे से मौजूद नहीं होता। हम बेयर हैंड से ही करेंगे। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोग वैसे एक बार ट्राई कीजिएगा, ये अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, आप लोग ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। ये ड्रैगन रॉक हमने गार्लिक स्ट्रीट से ख़रीदा है, ये आपका 150 या 200 रुपये किलो में मिल जाएगा। ये जो सॉयल हम यूज़ कर रहे हैं भी नॉर्मल सॉयल है, ये भी आपको गार्लिक स्ट्रीट में मिल जाएगा। आप अपने गार्डन का नॉर्मल सॉयल या वर्मिट कंपोस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर उसके ऊपर थोड़ा आपको सैंड का लेयर देना पड़ेगा, नहीं तो वो सॉयल आपके पानी के साथ मिक्स हो जाने का खतरा रहेगा। तो अभी हम ऊपर से थोड़ा सैंड डाल देंगे और रॉक के नीचे भी सैंड अच्छी तरह सेट कर देंगे, ताकि वो रॉक अपनी जगह से ना हिले। सो हमारा सब्सट्रैक्ट अब रेडी हो गया है, तो प्लांट्स हम अभी इसमें डालने वाले हैं। प्लांट डालने से आगे थोड़ा पानी के छींटे इसमें दे देते हैं, क्योंकि वो आपका सॉयल और सब्सट्रैक्ट के अंदर चला जाएगा और आपका रॉक भी ठीक से सेट हो जाएगा। और आप जो प्लांट्स लगाने वाले हैं वो अगर अंदर तक आप ठीक तरह से नहीं लगाए तो प्लांट आपका फ्लोट हो सकता है, सो इसलिए हम पानी से थोड़ा भिगो लेंगे, ताकि सब्सट्रैक्ट थोड़ा एक साथ रेडी हो जाए, एक साथ जुड़ जाए। हमने यहाँ पर प्लांट्स डालना चालू कर दिया है, तो आप देख सकते हैं मैं कैसे ये प्लांट्स डाल रहा हूँ इसमें। तो उसको सब्सट्रैक्ट के मिडिल तक डालिए, ज़्यादा नीचे तक मत डालिए, क्योंकि जब वो रूट्स पकड़ेगा तो नीचे वो रूट्स फैलने का जगह आपको रखना चाहिए। और कोई भी आप लोटेक प्लांट इसमें यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से जो अच्छा लगे, गूगल में थोड़ा चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा लोटेक प्लांट्स मार्केट में भी अवेलेबल है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और लाइट के हिसाब से ये मैंने वीडियो बनाने के लिए ये सब मिजरेबल एक लाइट इसमें दिया हुआ है, पर आप लोग मार्केट में बहुत सारे लाइट अवेलेबल है, 10 वाट का इस टैंक के हिसाब से 10 वाट का एक लाइट आप ले सकते हैं, और आप लोकल इलेक्ट्रिक शॉप में भी ये वाला लाइट मिलता है। इसका आपको लीड को ऊपर का जो प्लास्टिक का लीड आता है वो आप खोल के ऊपर से दे सकते हैं, इसका फोकस अच्छा रहता है और बहुत अच्छा भी दिखता है, और प्लांट्स का रिक्वायरमेंट भी इसमें पूरा हो जाता है। तो सामने की तरफ से भी यहाँ पर हम कुछ प्लांट्स यहाँ पर डाल देंगे, वो सामने से आपका अच्छा दिखेगा, तो ऐसे करके आपको सामने थोड़ा सा प्लांट्स डालना है। अभी हम इसमें कोई फिल्टरेशन नहीं दे रहे हैं,
थोड़ी दो तीन दिन बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें चेंज करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो कोई भी छोटा सा हैंग ऑन बैक फिल्टर आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो इसमें काम कर जाएगा। अभी ये लगभग ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इसमें पानी देना बाकी है। तो पानी जब आप दें ऊपर से एकदम धीरे धीरे दें ताकि सबस्टॉक उसके साथ घुल मिल ना जाए। सो फाइनली पानी डालने के बाद दिखाते हैं आपको ये कैसा दिखता है। सो गाइस देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप अपने घर में कोई भी छोटा मोटा जगह में ऐसा प्लांटेड खुद का बनाइए और इन्जॉय कीजिए। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय फ्रॉम एचआर एक्वा एंड पेट्स।